नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे लेप्रोस्कोपिक ट्यूबल रीकैनलाइजेशन के बारे में, यानी कि वो लोग जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक हो गई थी फैमिली प्लानिंग सर्जरी की वजह से, उसके बाद कभी उन्हें बच्चे की जरूरत पड़ती है तब वो ये सर्जरी करवा कर दोबारा से प्रेगनेंसी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग फैमिली प्लानिंग के लिए ट्यूबेक्टमी कराते हैं, यानी कि फीमेल्स की ट्यूब्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, उनमें या तो एक रिंग डाल दिया जाता है या उन्हें काट दिया जाता है, या काट कर उनका एक सेक्शन बीच में से रिमूव करते हैं और दोनों एंड्स को धागे से बांध देते हैं। सो अलग अलग तरीके से ये ट्यूबेक्टमी की जाती है और डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से तरीके से हुई है, बाद में आपकी कितनी ट्यूब्स जो हैं वो हेल्दी हैं, बची हुई हैं, इन सब के ऊपर भी रीकैनलाइजेशन सर्जरी के चांसेस और उसके सक्सेस का रेट डिपेंड करता है। अगर ट्यूब्स यूट्रस के बहुत ही नज़दीक से काटी गई हैं या वो डिस्टल एंड जहाँ पर ओवरीज हैं वहाँ के बिल्कुल पास काटी गई हैं, तब इसके सक्सेस का रेट कम हो जाता है। ये ट्यूब्स क्या हैं? वेल, जो अंडर ओवरीज में बनता है वो ट्यूब्स के रास्ते यूट्रस में ट्रेवल करता है और जो स्पर्म्स हैं वो यूट्रस के रास्ते इन ट्यूब्स में से एंटर करते हैं और ट्यूब के यूट्रस के पास वाले हिस्से में ये दोनों मिलते हैं और वहाँ पर बच्चा बनना शुरू होता है और बाद में वो खिसक कर यूट्रस के अंदर आ जाता है और वहीं पर फिर वो बड़ा होता है। इसीलिए नेचुरल प्रेगनेंसी में ट्यूब्स का बहुत बड़ा रोल है और अगर ये ब्लॉक्ड है नेचुरल तरीके से या अगर आपने फैमिली प्लानिंग सर्जरी करवाई है, देन प्रेगनेंसी नेचुरल तरीके से होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूरबीन से अगर आप इसको रिवर्स करवाना चाहें तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, वो कुछ टेस्ट करेंगे, पहले आपने क्या ऑपरेशन करवाया है वो देखेंगे और उन टेस्ट के बेस पर आपको बता पाएंगे कि क्या यह ऑपरेशन करके आपको अच्छा सक्सेस मिलेगा या नहीं। क्योंकि आजकल IVF की टेक्निक बहुत इजीली अवेलेबल हो गई है, इसलिए बहुत सारे पेशेंट्स में डायरेक्टली IVF भी किया जा सकता है, जिसमें कि ट्यूब को बाईपास कर दिया जाता है, डायरेक्टली ओवरीज में से एग्स लेते हैं और हस्बैंड के स्पर्म्स आर्टिफिशियली उन दोनों को मैच करके बाहर भी एक छोटा सा कुछ सेल्स का बेबी बनाकर दोबारा पेशेंट के अंदर यूट्रस में रख दिया जाता है और इस प्रोसेस में ट्यूब्स की जरूरत नहीं होती। तो आप चूज कर सकते हैं कि आपको IVF करवाना है या आपको ट्यूबल रीकैनलाइजेशन करवाना है। ज्यादातर केसेस में ट्यूबल रीकैनलाइजेशन का खर्चा कम रहता है, IVF का खर्चा ज्यादा रहता है। तो अगर पेशेंट्स इस चीज के लिए परेशान हो कि IVF का खर्चा बहुत है नहीं करवा पा रहे हैं, तब भी वो ट्यूबल रीकैनलाइजेशन करवा सकते हैं। ये ऑपरेशन आजकल दूरबीन से किए जाते हैं, दूरबीन से बहुत ही छोटे होल जाते हैं, दूरबीन से अच्छा मैग्नीफाइड व्यू दिखता है, हम छोटा सा ट्यूब का स्ट्रक्चर बहुत बड़े टीवी में बड़ा करके देख सकते हैं। पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, सेम डे इवनिंग या नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो घर जा सकते हैं, अपनी रूटीन लाइफ में वापस आ सकते हैं। सो अगर आप या आपके अराउंड किसी को इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो वी होप कि ये वीडियो देखकर आपको आइडिया लगा होगा और एक अच्छा सा ऑपरेशन करवा कर अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं। एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इट रियली रियली हेल्प्स अस।